हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज की जो हम एक वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं पबजी बैन इन इंडिया। व्हाट अ बिग न्यूज़, जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पबजी लवर के लिए तो बहुत ही दुखद खबर है। जो पबजी बैन हो गया, कोई नहीं भाई, अब 4G आ जाएगा। अगर तो वीडियो है ये सेन की रोस्ट की वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। पबजी सेन की रोस्ट बहुत अच्छी रोस्टिंग करते हैं। अगर आप इनके चैनल को नहीं जानते तो जाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो देख ये वाली जो वीडियो आप देखोगे उसके बाद आप खुद जाके सब्सक्राइब करोगे, इतना अच्छा ये रोस्ट करते हैं। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी बात करते हैं। पहले देखते हैं वीडियो कैसी है। डाल दिया तीर पबजी में। हाँ तो पबजी बैन का न्यूज सुन जितने लोग भी खुश होंगे उन सभी को ग्राफिक कार्ड और GTX YZ प्रीत की हाई लगेगी। पबजी बैन का न्यूज सुन नाथू को बुरा लग रहा है उन सभी पबजी डाई हार्ड लवर्स के लिए, और साथ ही मुझे तो उनका बुरा लग रहा है जो इस सीजन रॉयल पास लेके न्यू यूट्यूब चैनल चालू किए होंगे। पर जब पबजी बैन का न्यूज सुना होगा तो वो सिर्फ यही बोल रहे होंगे गवर्नमेंट को, दुकान जमा रहा था, आप लोग आपको बेरोजगार कर। आज कुछ ऐसी ही बात होगी और स्पेशल गेस्ट की अनबॉक्स अपने साथ होगी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो क्या आप लोग रेडी हो? पर मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि पहले स्पॉन्सर करेंगे फिर रेडी होंगे। देवी और उनकी सहेलियों मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सॉरी। सज्जनों, देवी और उनकी सहेलियों, पबजी के दुखद निधन के बाद अब नया गेम लॉन्च हो चुका है, वो भी अपने देश के जेठालाल के अंबानी जी का पबजी। हो इसमें आपको हर किल पे 100 MB मिलेगा और मैच जीतने पे आपको चिकन डिनर के बदले फाफड़ा डिनर के साथ 1 GB एक्स्ट्रा मिलेगा। रॉयल पास की जगह पे जियो पास होगा और उसमें आपको गन स्किन के साथ चुतिया हब का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करो पबजियों का लिंक लेने के लिए। तो चलिए गुरु, हो जाते हैं शुरू। जैसे ही गवर्नमेंट ने पबजी बैन का न्यूज बताया, पबजी प्लेयर डिप्रेस हो गए और वो डिमांड करने लगे कि मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ। पबजी बैन की न्यूज में सबसे खुश एक ही इंसान है और वो है ये। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। ये आंटी तो जैसे जंग जीत गई होंगी वैसे ही इन्हें फील हो रहा होगा, और ये आंटी के साथ साथ हर एक पेरेंट्स दिवाली मना रहे होंगे। पहली की नागिन निकाली, पबजी बैन का न्यूज सुन कुछ लोग तो गिरगिट बन चुके, जैसे कि वो लोग पहले पबजी के नाम से पेज चलाते थे तो अब वो लोग नेम चेंज करके कॉल ऑफ ड्यूटी रख लिए। शर्म करो, भगवान से डरो भोतड़ी वालों, भगवान से डरो। अफवाह, अब ये कौन बोल रहा है कि पबजियों से नाम हटा के पतंजलि अननोन बैटल्स का, और अगर पबजी और टक्कर देता है तो उसकी गल मारने की तैयारी में रामदेव बाबा, और वो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है आयुर्वेदिक चूतड़ मार पाउडर। अमेजिंग, बहुत अच्छा स्वामी जी, क्या ये मैं करूंगा? तो इसको दबाओ। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। मजा आ गया। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। आप स्टूडेंट्स के पीछे, स्टूडेंट्स आपके पीछे। और जैसे ही अनाउंसमेंट आई जेईई नीट एग्जाम्स के, तो स्टूडेंट्स ने मन की बात पे डिसलाइक करके गुस्सा निकाला। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मोदी जी ने डिसलाइक का बदला पबजी बैन करके ले लिया। नाच रहा मोदी। और फिर उसी रात को मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है। तो इतने सारे चलते कारण देख के बस यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हां भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद के लड़ा। तुमको क्या चाहिए? पबजी। हां पबजी खेलोगे भाई जो तुम लोग। हां खाना क्या है तुमको? चिकन डिनर। पबजी खेलने वालों का कुछ भी औकात हो, पर तेरे जैसे पैसे के लिए बच्चे से तो नहीं पिलवाते। औकात की बात कर भी कौन रहा है, जिसे कोई भी घंटे की तरह आके पेल के चला जाता है तो कोई इसके लाइफ में आके इसके लोड़े लगा जाता है। और क्या करता है तू? मैं वा मुंह सिंदेरू नहीं, मेरे
माँ को चोटता है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने चैनल पे कवर ना करूं कि मेड इन चाइना को मैं कवर ना करूं ऐसा मैंने सोचा। गुरुजी 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 वी सपोर्ट यू गुरुजी आई एम विद यू गुरुजी वी आर विद यू गुरुजी गुरुजी तुम ही सच्चे देशभक्त हो। अबे ये मेरे पास में ओप्पो रेनो 4 प्रो और ये मेरे पास में ओप्पो F17 प्रो पूरा मूड खराब कर दिया। गुरुजी जब बोलते हो अबे यार और चाइना प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने चैनल पे कवर ना करूं तो ये क्या अपना जो अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग करे जा रहे हो जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने चैनल पे कवर ना करो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बोलते हैं कि आपको क्या लगता है चाइनीज ऐप्स को बैन कर देना चाहिए इंडिया में? मेरा ये मानना है मैं तो कोई चाइनीज ऐप को वैसे भी यूज नहीं करता। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे पबजी नहीं पसंद या मैं पबजी नहीं खेलता तो ऐसा नहीं है यार, मैं भी कभी कभार दोस्तों जब होता हूँ थोड़ा सा फ्री तो खेल लेता हूँ। मैं तो कोई चाइनीज ऐप को वैसे भी यूज नहीं करता। सड़ी के अब तो सब बोल दे ब्रो, मेरे को थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ पबजी दिन का 8 घंटा खेलता था। ये तो वही बात हो गई, गांड फटे तो फटे चेहरे का एक्सप्रेशन ना हटे। आफ्टर पबजी मोबाइल बैंड फ्री फायर एंड COD मोबाइल पैसा ही पैसा होगा। आफ्टर पबजी बैन एवरीवन #CBI फॉर डायनामो। मुझे नहीं पता सब लोग कमेंट करने चाहिए #CBI फॉर डायनामो। ये सारे मीम्स मैंने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से लिए हैं तो आप भी वहाँ के मीम शेयर कर सकते हो, तो जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ तब हम अपने गुरुजी के साथ KBC खेलेंगे और जम के नमक मिर्च लगा के पेलेंगे, तो फ्री फायर के चौदे लगा दे इंट्रो। सर जी सैलरी दे दो। यहाँ पबजी बैन का न्यूज सुन के तुझे सैलरी की पड़ी है और नाथू आप तो लगाइए नहीं तो कहीं और जाके अपने एक बड़ मलाइए। क्या आप बनोगे चूतिया? जॉनी भैया लड़कियों से मिलते ही क्या बोलते हैं? चलिए शुरू करते हैं। गुजरा सोशल मीडिया पे क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चाइना वालों के घर में क्या डाल के मुंह से निकालना चाहिए? वर्चुअल चिकन डिनर। पीसू भाई का सर्विस एकदम लल्लन टॉप है तो उसको देख उसका रेट क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ता जा रहा है। अंडू के रसीले मम्मी आपने चूसे तो कैसा है? अच्छा है। आमिर का 150 से 100 रुपए रेट होने के बाद उसका चुतुड़ कैसा है? डेफिनेटली खराब है। नाथू को अगर टिकटॉकर मिल जाए तो कब कब पेलता ही रहेगा? सोते जगते उठते बैठते टिकटॉकर्स को गर्म मसाला लगा के पेलने में क्या आता है? काफी मजा आता है। जैसे विनोद के कोठे पे क्या पड़ रहा है? बुरा असर पड़ रहा है भाई। उसकी कल मार के चला जाए तो उससे उन्हें क्या होता है? नुकसान होता है। गुरुजी जैसे जवाब दे तो इसी बात पे मैं तुम्हें दूंगा। धोखेबाज ऑफ द ईयर। पबजी बैन गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ की क्या होगा, पर कुछ लोग एंड मोदी कर रहे थे तो कुछ लोग स्टेटस लगा रहे थे कि अनबैन करो नहीं तो सरकार चेंज। अरे माँ का जलिंदर मारो। पबजी से है क्या सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना। और एडिटिंग करिए, एक नंबर एडिटिंग करिए। और मैंने आपको पहले बोला था अगर आप ये वीडियो देखोगे तो खुद जाके उनका चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। सब कुछ मिला के ये मान लो क्वेश्चन खुद करें और आंसर टेक्निकल गुरुजी से दिलवा दिए। ठीक है, अब बहुत बढ़िया वीडियो बनाइए। आपको कैसी लगी वीडियो? और आप अगर पबजी बैन से दुखी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तो हूँ और नहीं भी, क्योंकि मुझे पता है वो वापस आ जाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो कोई और गेम आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं रहा। एक कोने में दिल के। और आप इस चीज पे थोड़ा सा मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आप कितना देर पबजी खेलते थे और जब से बैन हुआ है तो भैया क्या फर्क पड़ा है आपकी लाइफ पे? बिल्कुल नहीं खेलती थी, इसलिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। और मैं तो सोच रहा था भाई ये मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा पबजी की, लेकिन उससे पहले पबजी की सब्जी बना के खा गई पब्लिक। तो कोई नहीं, कोई और गेम लाएंगे, हम कोई और गेम लेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके सब्सक्राइब करना है, खुद भी और दोस्तों से भी कराना है। और अगर पुराना है तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबसे बढ़िया कौन सा सीन लगा पूरी वीडियो में और हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको। और मिलते हैं अब हम दोनों आपको अपने नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।